आज हम बनाएंगे नेपाल की ट्रेडिशनल काड़ेदार सेल रोटी बहुत ही आसान तरीके से। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी बनी है काड़ेदार रोटी। इसमें हमने ना ही चावल को भिगोया है, ना ही चावल को हमने आटा बनाने के बाद उसे फिर से रेस्ट करने के लिए 5 से 6 घंटे लोग भिगाते हैं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यानी आप ये रोटी 10 से 15 मिनट में फटाफट बनाकर लोगों के लिए सर्व कर सकते हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छी बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये नई रेसिपी। ये रेसिपी पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक और शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कई बार ऐसा होता है कि आप आटा तो अच्छे से बना लेते हो लेकिन आप तेल में जब सेल रोटी को रखते हो, देखिए आप देख सकते हो कि वो टूट जाती है उसे निकालते ही। तो ये प्रॉब्लम में आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में शेयर की है। सबसे पहले सेल रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी लिया है, इसे मिक्सर में बारीक पाउडर बना लें। अब पिसी हुई चीनी को एक बड़े बर्तन में निकाल लें, जिस बर्तन में आपको आटा बनाना है उसी बर्तन में निकाल लें। मैंने 1 कप चीनी लिया था तो 1 कप चीनी के लिए मैं यहाँ पे रखूंगी 1/2 कप घी। घी अगर ज्यादा हुआ तो जब आप तेल में सेल रोटी रखोगे तो वो पूरी बिखर जाएगी, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घी आपको ज्यादा नहीं लेना है। अब चीनी और घी को अच्छी तरह से फ्लफी होने तक 2 से 3 मिनट तक इसे मिक्स करें। आप चाहे तो हाथ से मिक्स करें, नहीं तो कुछ ब्लेंडर है आपके पास या चम्मच है आप उससे भी मिक्स कर सकते हो। मैं यहाँ पर हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ। दो मिनट तक चीनी और घी को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 कप चावल का आटा। ये नॉर्मल चावल का आटा है, ये मैंने घर में नहीं पीसा है, ये बाजार का चावल का आटा है। आप चाहे तो घर में भी चावल का आटा बना सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी के लिए 2 कप चावल का आटा लिया है। अगर आपको काड़ेदार सेल रोटी बनाना है तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये है चावल। जो आप घर में रोज चावल खाते हो वही चावल मैंने लिया है। यहाँ पे मैंने 1 छोटी कटोरी चावल ली है, इसे अब हम मिक्सर में दरदरा पीसेंगे जिससे हमारी सेल रोटी परफेक्टली काड़ेदार लगेगी। सारी चीजों को मैंने एक ही जगह पे मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें रखूंगी 1/2 ग्लास हल्का सा गरम दूध। दूध रखने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है और साथ में जब आप सेल रोटी खाते हो तो दूध का जो हल्का सा क्रीमी टेस्ट है वो आपको महसूस होता है, जिससे उसका स्वाद भी बढ़ जाता है। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करें। देखिए मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रखा है और केवल दूध और घी से ही अच्छी तरह से पहले इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें रखेंगे पानी। पानी आपको ज्यादा एक साथ नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी रखें और हाथ से इसे अच्छी तरह से मसल लें। देखिए पानी रखने के बाद ये बैटर इस तरह का होना चाहिए, यानी ना ही ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा गाढ़ा। इस तरह का बैटर आप बनाएं और हाथ से इस तरह से आपको मिक्स करना है, यानी कम से कम 4 से 5 मिनट तक आपको ऐसा करना है। ऐसे करने से इस आटे में अच्छी तरह से हवा भर जाता है और आपकी जो सेल रोटी है बनाते वक्त नहीं टूटती है और खाने में बहुत ही बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट लगती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, इसको मैं रेकमेंड करूंगी कि बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब इसे हम 5 मिनट तक ढककर रेस्ट करने देते हैं।
5 मिनट हो गए हैं, तो चलिए देखते हैं इसकी थिकनेस कितनी बनी है। क्योंकि 5 मिनट में जब ये रेस्ट हुआ है तो आटा फूल जाता है अच्छी तरह से, जो चावल है वो पानी सोख लेता है। देखिए ये आटा बिल्कुल भी ठीक लग रहा है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप दूध, हल्का सा गर्म दूध या पानी आप ऐड कर सकते हो। देखिए हाथ में इस तरह से आटा लेकर एक बार घुमाकर देखिए, अगर ये अच्छी तरह से हाथ से गिर रहा है यानी आपका आटा परफेक्ट है, इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आटा हाथ में कैसे लेना है। देखिए ऐसे, यानी साइड के बर्तन के सपोर्ट से आप आटा हाथ में लें और इस तरह से घुमाइए। वाओ, देखिए कितनी अच्छी गोल रोटी बनी है। सेम इसी तरह से आपको कढ़ाई में भी करना है। सेल रोटी बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, और ये एक छोटी सी ऐसी चीज़, यानी कोई भी हैवी चीज़ जो है वो उसे आपको बीच में रखना है। मैंने यहाँ पे साइकिल की घंटी रखी है, क्योंकि ये जितना साइज का रहेगा उसी हिसाब से आपके सेल रोटी साइज में बनेगी। अगर आपने ये नहीं रखा तो जब आप सेल रोटी तेल में रखोगे तो वो चिपक जाएंगे, तो उसके बीच में होल बने, डोनट जैसा गैप रहे, इसलिए हम ये रखते हैं। सेल रोटी बनाने के लिए तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो गर्म तेल हुआ है या नहीं इसे चेक करने के लिए मैंने थोड़ा सा आटा का गोला रखा है, लेकिन ये ऊपर नहीं आया, यानी हमारा तेल और अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो इसे मैं और 5 मिनट तक अच्छे से गर्म होने देती हूँ। देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं यहाँ पर इस तरह से घुमाते हुए सेल रोटी रख रही हूँ, और इसे तेल में रखते ही इसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। कम से कम 2-3 मिनट तक इसे इसी तरह से पकने दें, और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई पर रखें। देखिए एक साइड से नीचे से हल्का सा लाल हो गया है। अब हम इसे पलट देंगे, और पलटने के बाद गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और इसे अच्छी तरह से अंदर तक पकने देंगे। मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं, क्योंकि जब आप हाई फ्लेम पर पकाओगे तो ऊपर से काला हो जाएगा, इसका कलर भी बहुत डार्क आएगा, ब्लैकिश कलर आएगा, और अंदर से ये अच्छे से नहीं पकेगा। इसलिए एक बार जब आप सेल रोटी रखते हो तब गैस का फ्लेम हाई करें, उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम पर रखकर इसे अच्छी तरह से 1-1.5 मिनट तक इसी तरह से पकने दें। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो आप देख सकते हो कि इसके जो बबल्स है वो बहुत ही कम हो गए हैं, यानी हमारा जो सेल रोटी है वो अच्छी तरह से अंदर से भी पक गया है। मैं अब इसे निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये ना ही ज़्यादा डार्क आया है, क्योंकि अगर ज़्यादा हाई फ्रेम रहेगा तो सेल रोटी ब्लैक हो जाएगी, एकदम डार्क ब्राउन जैसे दिखेगा। आप देख सकते हो कि ये परफेक्टली रेडिश कलर है और एकदम बिल्कुल भी काड़ेदार बनी है जैसा हम चाहते थे। देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, है ना एकदम परफेक्ट सेल रोटी। कई बार ऐसा होता है कि जब आप सेल रोटी बनाते हो तो वो कढ़ाई में, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जब आप कढ़ाई में रखते हो तो वो परफेक्टली राउंड लगता है, लेकिन जब आप उसे निकालने जाते हो तो वो टूट जाता है। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए सेल रोटी कितनी अच्छी बनी है, लेकिन इसका जो जॉइंट है वो यहाँ से टूट गया। तो इस समय आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा आटा लेकर ये जॉइंट के बीच में आप रख सकते हो, या फिर आप इस तरह से चम्मच और वो लकड़ी की मदद से दोनों साइड से हल्का सा प्रेस करें, ताकि जहाँ से वो टूटा है वहाँ से वो फिर से जुड़ जाए। अगर आटा पूरी तरह से नहीं पका है तो वो जुड़ जाएगा, अगर आटा पक गया है तो वो थोड़ी दिक्कत आएगी जुड़ने में। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि कितने अच्छा से ये हमारा जॉइंट भी हो गया है और एकदम परफेक्ट भी बना है। देखिए है ना एकदम परफेक्ट।